हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज मैं आपको तरंग प्रकाशिकी में हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार परावर्तन की व्याख्या करने वाला हूँ। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 4 नंबर पे पूछा जाएगा या फिर 5 नंबर पर पूछा जाएगा। कितने नंबर पर? 4 नंबर पर पूछा जाएगा या फिर 5 नंबर। अगर 4 नंबर पर पूछा जाएगा तो आपको ओनली व्याख्या करनी है। अगर 5 नंबर पर पूछा जाएगा तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको दे देगा और उसको आपको 1 सेकेंड में सॉल्व कर देना है, ये थ्योरी लिख देना है। तो इस थ्योरी को मैं बिल्कुल विधिवत समझाऊंगा, आपको कुछ नहीं करना। आप इस चित्र को देख रहे हैं, आपको इस चित्र को बना लेना है, समझ लेना है। मैं इस चित्र के बारे में भी कैसे बनाया मैंने ये भी समझा दूंगा, क्योंकि अगर मैं यहीं पे चित्र बनाता तो ये वीडियो बन जाती कम से कम 30 मिनट की और फिर आप उसे पूरा ना देखते। इसलिए मैंने छोटी वीडियो होने के कारण चित्र यहीं पर बना लिया है। अब यदि इस चित्र को आपने बना लिया तो इसकी आप 1.5 पेज की जो थ्योरी होगी उसे लिख पाएंगे। इसकी PDF की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आपको ये जो चित्र दिख रहा है तो ये इसके बारे में आपको मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। ये जो जेड जेड डैश है इसको मान लेते हैं कोई एक परावर्तक पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है दोस्तों? ये कोई एक परावर्तक पृष्ठ है। इसमें ये तरंगाग्र ए बी, मैंने इसको तिरछा आपतित करवाया हुआ है। पृष्ठ पर आप देख सकते हैं तरंगाग्र ए बी जो है इसको मैंने तिरछा आपतित करवाया है। इतने बात समझ में आई, मुद्दा समझ में आया दोस्तों? आपको क्या क्या मैंने बताया, लिखना क्या है? माना कोई एक जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। माना तरंग का गाग्र के कण की चाल कितनी है? माना तरंगाग्र की चाल क्या है दोस्तों? वी है। क्या है चाल? वी है। चाल वी है। क्या है दोस्तों? चाल जो है वह वी है। और समय जो है आपका टाइम वह टी है। क्या है? समय टी है। तो आप क्या कहेंगे? माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है, तरंगाग्र की चाल वी तथा समय टी है। माना टी समय के पश्चात तरंगाग्र भी, आप लिखेंगे माना टी समय जब बीत गया, टी समय हो गया, तो ये जो तरंगाग्र बिंदु बी है यह ए डैश तक पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है दोस्तों? तरंगाग्र जो ये बी है ए डैश तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे हम तरंगाग्र ए बी को, इस तरंगाग्र ए बी को आगे बढ़ाते हैं, मान लीजिए इस तरंगाग्र ए बी को मैं यहाँ आगे ले जाऊंगा तो इसके बीच में कुछ पॉइंट मिलेंगे हमको, इन पॉइंटों से ये तरंगाग्र ए बी टकराएगा। जैसे ये टकराएगा तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार इसमें तरंगिकाएं निकलने लगेंगी। क्या निकलने लगेंगी दोस्तों? तरंगिकाएं निकलने लगेंगी। जितना समय इस बी को इस ए डैश तक पहुंचने में लगेगा उतना ही समय इस ए डैश को इस बी डैश तक पहुंचने में लगेगा। मुद्दा समझ में आया दोस्तों? अर्थात क्या हो गई, ये वाली जो आपकी लाइन है इस वाली लाइन के क्या हो गई? इक्वल हो गई। अर्थात आप लिख सकते हैं बी ए डैश, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? बी ए डैश बराबर, अब आप लिख सकते हैं आपकी चाल क्या है? वी है। इसके बाद आपका समय जो है वह क्या है? टी है। तो यहाँ पर आप समय लिख सकते हो। अब ये किसके इक्वल है? क्योंकि जितना समय और चाल इसमें वेग से चल रहा है इतनी आने में, उतना ही समय चाल वेग से इधर पहुँच रहा है। तो ये वाली रेखा समय और चाल के गुणनफल के क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। बी डैश ए क्यों क्यों बराबर हो जाएंगी दोस्तों? क्यों बराबर हो जाएंगी इसका मुद्दा आप समझ लीजिए। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें यहाँ से जब यहाँ तक चलेंगे तो हमारी दोस्तों क्या होगी? ये चाल होगी या दूरी होगी? ये हमारी होगी दूरी, क्योंकि हम इस ए बी से जब इतने की दूरी निकाल रहे हैं और इतने की दूरी निकाल रहे हैं तो यहाँ से जब आप दूरी बराबर फार्मूला निकालेंगे दूरी टी बराबर, तो ये चाल हो जाएगा वी और समय क्या हो जाएगा? टी। तो ये निकल आया दूरी बराबर, तो मैं यहाँ से दूरी निकाल रहा हूँ तो ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर है। तो हमारी किसके बराबर होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय से वेग और समय का गुणांक इन दोनों रेखाओं के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये वाला इक्वेशन आप लिख लेंगे। इतनी थ्योरी लिखने के बाद थ्योरी आपको क्या लिखनी है वो मैं बता देता हूं। माना मैंने एक बार आपको समझा दिया, फिर सेकंड बार समझा रहा हूं। माना कहना क्या है ये चित्र बनाने के बाद? माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। क्या है दोस्तों? जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र ए बी, ये दोस्तों क्या है? तरंगाग्र ए बी, इस पर तिरछा आपतित कराया गया है। कैसा आपतित कराया गया है? तिरछा आपतित कराया गया। जैसे जैसे तरंगाग्र बी बी जो है बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है। कितना समय लगता है दोस्तों? टी समय लगता है। माना तरंगाग्र की चाल वी है। कितनी चाल है दोस्तों तरंगाग्र की? इसके बाद आप लिख देंगे माना तरंगाग्र की चाल वी है। पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है, तरंगा बिंदु बी को ए तक पहुंचने में टी समय लगता है, तरंगाग्र की चाल कितनी है? वी है।
फिर इसके बाद आप लिखेंगे जैसे जैसे तरंगाग्र ए भी आगे बढ़ता है, क्योंकि ये तरंगाग्र जो है इसको आगे बढ़ाएंगे तो पहले इधर आएगा, फिर इधर, पहले इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, मतलब इसमें जितने भी बिंदु होंगे उनसे टकराएगा। तो जैसे ये तरंगाग्र ए भी इन बिंदुओं पर टकराएगा तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार इससे तरंगे निकलने लगेंगी। क्या निकलने लगेंगी दोस्तों? तरंगे निकलने लगेंगी। जितना समय इस बिंदु बी को ए डैश तक पहुँचने में लगेगा उतना ही समय इस ए डैश को इस बी डैश तक पहुँचने में। बोलो मुद्दा समझ में आया दोस्तों? यही आपको मैं समझाना चाहता हूं, यही आपको लिखना है। क्या लिखना है फिर से तीसरी बार रिपीट कर देता हूं। माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित कराया गया है। बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है। माना तरंगाग्र की चाल वी है। क्या है दोस्तों? तरंगाग्र की चाल वी है। जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी को आगे बढ़ाया जाता है तरंगाग्र ए बी बीच के बिंदुओं से टकराता है। जैसे ही बीच के बिंदुओं से टकराता है तो हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत के अनुसार इनसे तरंगे निकल आती हैं, तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। जितना समय बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में लगता है उतना ही समय ए डैश को बी डैश तक पहुंचने में लगता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? जिसके समझ में आई हो वो मुझे कमेंट करे कि मुझे 100% समझाने से समझ में आया या फिर 50%। जो माइंड लगाया होगा इस वीडियो को दो तीन बार पलट पलट की वीडियो देखिए, आपके 100% समझ में आ जाएगा। एक भी वीडियो स्किप मत करिएगा। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। आपको लिखना है माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। बिंदु बी को यहाँ से यहाँ तक जाने पर टी समय लगता है। कितना समय लगता है दोस्तों? इस बिंदु बी को यहाँ से यहाँ तक जाने में टी समय लगता है। माना जो ये तरंगाग्र है इसकी चाल वी है, वी है, विवेग से चल रहा है। अब जैसे जैसे इस तरंगाग्र को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये धीरे धीरे चलेगा छोटे छोटे कदमों से। तो जैसे छोटे छोटे कदमों से चलेगा तो इसके जो बीच के बिंदु होंगे इनसे टकराएगा, और जैसे ही टकराएगा तो हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत के अनुसार इनसे तरंगिकाएं निकलने लगेंगी, उत्पन्न हो जाएंगी। तो बिंदु बी जो होगा ए डैश तक पहुंचने में जितना समय लेगा उतना ही समय बी डैश जो ए डैश जो है बी डैश तक पहुंचने में लगेगा। यानी कि बी डैश अगर ए डैश तक पहुंचने में टी समय ले रहा है तो ए डैश भी बी डैश तक पहुंचने में टी समय ही लेगा। इतनी बात लिख देने के बाद आप चार बराबर दूरी बटे समय से इसकी दूरी ये आपस में इक्वल कर देंगे। एक ये वाला फार्मूला आप लिख देंगे। इसके बाद आपको क्या लिखना है वो मैं इस क्वेश्चन को मिटा लेता हूं, फिर आपको यहां पर समझा दूंगा, आप क्वेश्चन अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे मैं क्या बताने वाला हूँ, तो मैं आगे आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको पूरी तरह से इतना करवा दिया, इसके बाद ये समीकरण आप लिख देंगे, फिर इसके बाद नीचे जो नीचे लाइन से लिखेंगे क्या लिखेंगे, माना ए को, इस ए को मैं क्या मान लेता हूँ, मान लेता हूँ इस ए को केंद्र मान लेता हूँ। यहाँ पर मान लो त्रिभुज है, वो प्रकार है, यहाँ पर प्रकार की नोक रखता हूँ और इधर एक चाप मारता हूँ और इसे ए डैश पर एक चाप मारता हूँ। तो आप कहेंगे क्या, बिंदु ए को केंद्र मानकर बी ए डैश पर एक चाप खींचते हैं। क्या खींचते हैं दोस्तों? एक चाप खींचते हैं। बिंदु ए डैश पर हम एक ए बी डैश वो खींच तरंगिका खींच लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं दोस्तों? तरंग स्रोत खींच, तरंगिका खींच लेते हैं। पहले क्या कहेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानकर बी ए डैश, क्या बी ए डैश क्या करते हैं हम, चाप लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों? चाप लगाते हैं। तो इसके बाद इतना चाप खींच लेंगे आप ए बी डैश का। फिर जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर ए डैश पर आप जैसे एक चाप मारेंगे तो ए डैश से एक रेखा बी ए डैश खींच लेते हैं। फिर इसके बाद जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ाएंगे, इस बार अब की बार जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी को हम आगे बढ़ाएंगे तो इससे एक के बाद एक निकलने वाली तरंगिका, एक के बाद एक जो भी तरंगिका निकलेगी तो ये बिंदु बी ए डैश को एक साथ स्पर्श करेगा जाके। ये तरंगाग्र क्या होगा, जैसे जैसे हम इस बार आगे बढ़ाएंगे तो इससे जो भी एक के बाद एक तरंगिका निकल रही है वो बिंदु बी ए डैश पर एक साथ स्पर्श करेगा। कैसे स्पर्श करेगा? एक साथ स्पर्श कर, जब इन दोनों को निकलने वाली तरंगिकाएं इस बिंदु पर एक साथ स्पर्श करेंगी तो ये वाला जो आपका त्रिभुज होगा, ये वाला त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा दोस्तों? आपको करना क्या है, बिंदु ए को केंद्र मानकर एक गोलीय चाप बिंदु बी और ए डैश पर खींच लेते हैं, फिर बिंदु ए डैश से एक बी ए डैश रेखा खींच लेते हैं। जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी को आगे बढ़ाते हैं तो इससे एक के बाद एक निकलने वाली तरंगिका, एक के बाद एक निकलने वाली तरंगिका इस बिंदु बी ए डैश को एक साथ स्पर्श करेगी। जैसे ही एक साथ स्पर्श करेगी आता क्या हो जाएगा, आता इस पर मैं इंक डाल लेता हूं तो लिखेंगे कि आप आता
क्या क्या बराबर होंगे दोस्तों, ए बी, ए बी और ये वाला ए डैश, ये वाला ए डैश आपस में किसको इक्वल होगा इस वाले त्रिभुज के, ए बी डैश और ये ए डैश। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो इनके जो एंगल है, देख सकते हैं दोस्तों इसका एंगल है आर और इसका एंगल है आई, तो ये दोस्तों ये बी डैश वाला जो ये है इसका एंगल है आई और इसका आर है, तो ये कोण आर और कोण आई क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यही होता है आपका परावर्तन का नियम। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा दिया। इसके बाद मैं लास्ट बार आपका पूरी थ्योरी दोहरा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ पर लिखना है माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। माना बिंदु बी से ए तक पहुंचने की जो समय लगता है वह टी समय लगता है। बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है। माना तरंगाग्र की चाल वी है। जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी को आगे बढ़ाते हैं तो यह ए और बी डैश, ए और बी डैश के बीच में के बिंदुओं से टकराती है और द्वितीयक तरंगिकाएं इनसे उत्पन्न हो जाती हैं। क्या उत्पन्न हो जाती हैं दोस्तों, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और जैसे जैसे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं तो बी बिंदु बी को ए डैश तक पहुँचने में जितना समय लगता है उतना ए डैश को बी डैश तक पहुँचने में समय लगेगा, अर्थात दूरी बराबर आप निकाल लेंगे चाल गुणे समय। तो आपका चाल कितनी है, तो वी चाल मान लिया है मैंने, कितनी चाल है, वी चाल है और समय आपका क्या है, टी है। तो ये वाली रेखा के बराबर हो जाएगी। तो आप ये इक्वेशन लिख देंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानकर, किसको दोस्तों, बिंदु ए को केंद्र मानकर बी ए डैश एक गोली चाप खींचते हैं जिस पर बिंदु ए डैश पर ए बी डैश एक रेखा खींच लेते हैं। फिर तरंगाग्र ए बी जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो बिंदुओं से टकराकर जो एक के बाद एक तरंगिका निकलती है वह बी ए डैश को एक साथ स्पर्श करेगी। जैसे एक साथ स्पर्श करेगी अतः ये वाला कोण इस वाले कोण के आपस में इक्वल हो जाएगा और ये वाला जो कोण है ये वाला इसका मान हमें दिया गया है आर और जो ये वाला हमारा कोण है इसका मान हमें दिया गया है आई, अर्थात ये दोनों कोण आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही था आपके परावर्तन का नियम। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।